जिस पल का सबको इंतजार था वो पल आ चुका है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 की शुरुआत आज से हो रही है, जिसमें ओलंपिक एशियन गेम्स के बाद तीसरे सबसे बड़े स्पोर्ट्स इवेंट में दुनिया भर के टॉप एथलीट हिस्सा लेंगे। 22वें कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत अपने 300 दलों के साथ हिस्सा लेने बर्मिंघम पहुंचा है, जो 19 अलग अलग खेलों में अपना जलवा बिखेरेंगे। 2013 खिलाड़ी तिरंगे की शान के लिए खेलेंगे। इस खास मौके पर पीवी सिंधु लगातार दूसरी बार ध्वजवाहक बनेंगे। इंग्लैंड के बर्मिंघम में 28 जुलाई से कॉमनवेल्थ गेम्स की शुरुआत हो रही है। ये खेल 8 अगस्त तक चलेगा। इस खेल में भारत का रिकॉर्ड शानदार रहा है और उम्मीद की जा रही है कि इस बार भी भारत का दबदबा कायम रहेगा। भारत अक्सर कॉमनवेल्थ गेम्स में बेहतर प्रदर्शन करता है और टॉप 3 में जगह बनाता है। हालांकि नीरज चोपड़ा के टूर्नामेंट से बाहर होने के बाद भारत को बड़ा झटका जरूर लगा है, लेकिन उनके अलावा इस कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत की पीवी सिंधु, मीराबाई चानू, रवि दहिया, निकहत जरीन, मनिका बत्रा, लक्ष्य सेन समेत कई प्लेयर्स से गोल्ड मेडल की उम्मीदें हैं। वहीं पहली बार कॉमनवेल्थ गेम्स में डेब्यू कर रही महिला क्रिकेट टीम से भी भारतीय फैंस को जीत की उम्मीदें हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया अहेड।